हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया वाली थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे लंच, डिनर या फिर लंच बॉक्स, ऑफिस लंच बॉक्स के लिए ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काली मसूर दाल ली है, जिसे मैंने वॉश करके थोड़े देर पानी में भिगोने के लिए रख दिया है। और अभी मसाले के लिए यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है, जिसे रफली चॉप कर लिया है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और एक मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। सारी चीज़ों को रफली चॉप कर लेना है और बस इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो मसूर दाल को पहले प्रेशर कुक कर सकते हैं या फिर 2 या फिर 3 घंटे के लिए उसे सोक भी कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही इसे बना रही हूँ। ऐसे भी ये उतनी ही देर में पक जाएगी जितने देर में आप प्रेशर कुक करके इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया है ऑयल, उसमें डाल देंगे ज़ीरा और 2 लाल मिर्चें तोड़ के और 1 काली इलायची और थोड़ा सा हींग, ज़रा सा भून लेंगे और जो भी मसाले हमने इसमें पीसा था मिक्सी में वो सब इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे चलाते हुए, क्योंकि सारे मसाले, मतलब जो भी प्याज वगैरह है, वो कच्चा था तो भूनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट कोई नहीं, उतने देर में आपकी दाल भी जो है वो थोड़ा सा और देर सोख हो जाएगी। और बस अभी सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि ज़ीरा, धनिया, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। ये थोड़ा स्ट्रांग वाला गरम मसाला है, आप रेगुलर वाला जो भी आप खाते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, नमक टेस्ट के हिसाब से। और सारे मसालों को अच्छे से ऑयल छूटने तक भून लेना है। देन उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया ताकि मसाले जो है वो और अच्छे तरह से पक जाए। और फिर ऐड कर देंगे हमारी ये मसूर दाल और बस इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स दे देंगे। और मिक्स देने के बाद इसमें कम से कम 1 से 1.5 गिलास जितना इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुक नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बहुत टेस्टी लगती है ये जो दाल है, क्योंकि मसूर दाल में स्टार्च होता है जिसके वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये मसूर दाल की सब्ज़ी है या फिर दाल मखनी की। तो बस मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है और अभी एक सूखी सब्ज़ी बना लेते हैं, जो कि है कैबेज आलू की सब्ज़ी। बहुत बढ़िया लगती है ये भी। और इसे मैंने लंबा लंबा आलू और गोभी को भी जो है वो लंबा लंबा चॉप कर लिया। आलू जो है वो बॉइल्ड आलू है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस सब्ज़ी को बनने में। थोड़ा सा अदरक लहसुन को रेफली चॉप कर लेना है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक प्याज को भी जो है वो लंबा लंबा ही चॉप कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि विदाउट टमाटर ही आप इसे बनाएं। और बस एक पैन में ऐड कर देंगे ऑयल और थोड़ा सा ज़ीरा और ये जो हमने रफली चॉप किया था अदरक लहसुन, इन्हें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर। और उसके बाद ऐड कर देंगे ये प्याज, प्याज को भी जो है वो 2 मिनट के लिए चला लेना है। और उसके बाद ऐड कर देंगे कैबेज और आलू और इसे बस 5 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए थोड़ा सा चला लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत कच्चापन है ना वो ऑयल के साथ भून जाए अच्छे से। और बस चलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सारे ही सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, चाहो तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा मैंने इसमें काला मसाला ऐड किया है और बस अभी इसे मिक्स दे देंगे। और मिक्स करते वक्त ना गैस को जो है वो थोड़ा सा लो पे रखिएगा ताकि मसाले जलेंगे नहीं और नमक डालने की वजह से इसमें धीरे धीरे मॉइस्चर आ जाएगा। और छोटा सा एक पानी का छींटा हमें इसमें मारना है ताकि इसमें और थोड़ा सा मॉइस्चर आए और सब्ज़ी जो है वो नीचे से जलेगी नहीं। और लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये सब्ज़ी 12 से 15 मिनट में पक जाती है, मतलब अगर लो पर रख रहे हैं तो, और मीडियम पर रख
रहे हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट, 2 या फिर 3 बार ऐसे चलाते रहिए ताकि सब्ज़ी जो है वो लगेगी नहीं। और लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया और सब्ज़ी जो है वो बनके तैयार है। रोटी सब्ज़ी पूड़िया के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हो। और अभी जो है वो मैं ज़ीरा राइस बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी भी जो है जो मसूर दाल की वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। राइस जो है वो मैं साइड में रख दूँगी पकने के लिए। और देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी दाल मखनी वाली सब्ज़ी है बहुत ही बढ़िया दिख रही है। दाल मखनी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आप इसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन सी सब्ज़ी है, मतलब जो दाल है ना वो बिल्कुल दाल मखनी जैसी लग रही है। लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर और कसूरी मेथी और हरा धनिया। अगर आप इसे टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं ये सब्ज़ी, तो इसमें क्रीम मत ऐड करना। घर के लिए बना रहे हो ना तो इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हो। और आई टेल यू, ये बहुत ही बढ़िया लगती है ये जो मसूर दाल है। आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना, इस तरह से ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। क्रीम अगर आपके पास है ना और अगर आप डिनर या फिर आपके घर में गेस्ट्स आ रहे हैं तो वो नहीं पहचान पाएंगे कि ये सब्ज़ी मसूर दाल की नहीं है। और बस यहाँ पे मेरा राइस भी जो है वो पक चुका था और थोड़ी सी मैं अभी गैस जो है मेरा कुक टॉप उसे मैंने क्लीन कर दिया ताकि क्योंकि साथ ही साथ सारे ही काम हो जाते हैं। तो चलिए आज की लंच थाली जो है इसे तैयार कर लेते हैं। और ये सब्ज़ी प्लीज़ आई इंसिस्ट यू इस तरह से एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये जो आलू और गोभी की सब्ज़ी है ये बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है, इस तरह से आप एक बार बना के देखिएगा। हल्का सा फ्राई, जो ऑयल में हल्की सी जब गोभी फ्राई होती है ना पत्ता गोभी, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे चावल, रोटी और साथ में सैलेड भी तैयार है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।